गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल 11.2 में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 तीन बाकी रह गया था, तो सबसे पहले हम 5 बता दें आपको। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ए वॉल ₹9,120, यहाँ पर जो अमाउंट है वो दिया हुआ है ₹9,120 और रेट जो दिया हुआ है 5 पर मीटर स्क्वायर, और रेट जो है वो दिया हुआ है ₹5 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल अमाउंट मेरे पास 9,120 है और रेट ₹5 पर मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें फाइंड द एरिया ऑफ द वॉल निकालना है और दूसरा ऑल्सो फाइंड इट्स लेंथ, लेंथ भी निकालना है और ब्रेथ दिया हुआ है 16 मीटर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ वॉल। यहाँ पर एरिया ऑफ वॉल जो हुआ वह क्या हुआ, अमाउंट बाय रेट, अमाउंट कितना है 9,120 रुपीज़ है और ये ₹5 पर मीटर स्क्वायर है। अब आंसर जो होगा वह मीटर स्क्वायर में होगा, तो इस 5 से इसको हम कट कर देते हैं, 5 1 जा 5 4 बचा, 5 8 जा 40 1 बचा, 2 5 2 जा 10 2 बचा, 5 4 जा 20 यानी मेरे पास 1,824 मीटर स्क्वायर ये क्या निकल गया, एरिया निकल गया वाल का। अब दूसरा इसमें टॉपिक है कि ब्रेथ दिया हुआ है कितना, 16 मीटर ब्रेथ दिया हुआ है आपका 16 मीटर। अब लेंथ निकालना है, तो लेंथ इक्वल टू होता है एरिया बाय ब्रेथ। अब यहाँ पर एरिया मेरे पास कितना निकला 1,824 और ब्रेथ कितना है 16। अब ये ऊपर वाला जो है मीटर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे मीटर हो जाएगा। अब इसको हम कट करते हैं, 16 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ देखिएगा, वन एट टू फोर डिवाइड बाई 16, और सिंपल तरीके से काटना चाहते हैं तो 2 से काटिए, 2 8 जा 16 और 2 से काटिएगा, 2 9 जा 18 2 1 जा 2 2 जा 4। अब फिर देखते हैं 8 से, अगर 8 से कटने वाला है तो काट देंगे, 8 1 जा यहाँ पर 1 बचा, फिर 8 1 जा 8 3 बचा, 8 4 जा 32 यानी मेरा जो लेंथ हुआ वो हो जाएगा 114 मीटर। तो पहला मेरा निकला 1,824 मीटर स्क्वायर और ब्रेथ दिया हुआ है, तो लेंथ निकल गया कितना 114 मीटर। अब तीन चीज हमको निकालना था, इसमें क्या निकालना था, तो फाइंड द एरिया, तो एरिया निकल गया और लेंथ निकालना था, लेंथ भी निकल गया। अब देखिए 6 नंबर,
द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 162 मीटर एंड लेंथ ऑफ द फील्ड इज ट्वाइस द ब्रेथ, तो फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो यहाँ पर पेरीमीटर दिया हुआ है और हमको एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6, दिया क्या है? तो पेरीमीटर दिया है किसका? तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना है? 162 मीटर, 162 मीटर। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि जो लेंथ है वह ब्रेथ का दोगुना है एंड द लेंथ ऑफ द फील्ड इज ट्वाइस द ब्रेथ। तो सबसे पहले हम लेट द ब्रेथ ऑफ फील्ड बी एक्स मीटर। यहां पर हम ब्रेथ को क्या मान लिए? एक्स मान लिए। देन लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ट्वाइस द ब्रेथ यानी 2x मीटर। अब ये क्लियर हो गया कि मेरे पास जो पेरीमीटर है वो 162 मीटर है, 162, और ब्रेथ कितना है? ब्रेथ को एक्स मान लिए और लेंथ कितना हो गया? 2x हो गया। अब हम पेरीमीटर के फॉर्मूला से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे तो मेरे पास लेंथ और ब्रेथ निकल जाएगा, है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फील्ड इक्वल टू 2 × L + B। ये फॉर्मूला आप पहले भी जानते हैं, आप पहले से भी, कि पेरीमीटर ऑफ फील्ड इक्वल टू 2 × L + B। अब जहां पर हमने पेरीमीटर लिखा है उस स्थान पर पेरीमीटर के स्थान पर क्या लिख देंगे? उसका मेजरमेंट 162 मीटर, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं कि पेरीमीटर का जो फॉर्मूला नीचे लिखे हैं, हम पेरीमीटर के स्थान पर 162 मीटर लिखेंगे और बाकी यहां 2 × L के स्थान पर 2x और बी के स्थान पर x लिख करके इसको सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे फिर से 162 मीटर पेरीमीटर हो गया और 2 × L मेरे पास 2x था और प्लस ब्रेथ जो था वो x था, ठीक है। अब यहां पर 162 बाई 2 कर दीजिए, ये मीटर में हो जाएगा और 2x और 1x 3x हो जाएगा, 162 से कट जाएगा यह 81। अब यहाँ पर 81 मीटर इक्वल टू 3x, तो x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा आपका 81/3 इक्वल टू x। अब 3 से कटेगा, 3 × 2 = 6, है ना, और ये हो जाएगा 7, 27 3 × 6। अब यहाँ पर देखिएगा कि x का जो वैल्यू निकला, यहाँ पर x जो निकला वह 27 मीटर निकला। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेथ जो हुआ वह 27 मीटर हुआ और लेंथ जो हुआ वह 2x है, यानी 2 × 27 मीटर, तो ये हो जाएगा 54 मीटर। अब मेरे पास जो लेंथ निकालना था वो लेंथ निकल गया और ब्रेथ निकालना था ब्रेथ निकल गया, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन एक और कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। अब यहाँ पर एरिया ऑफ फील्ड क्या होता है? L × B होता है,
अब एल मेरे पास कितना है 54 मीटर और ब्रेथ कितना निकला है 27 मीटर। अब इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एरिया निकल जाएगा मीटर स्क्वायर में। गुना करके देख लीजिए 54 27 28 टू 7 5 35 37 37 ठीक है, 4 8 और 5 10 ये हो जाएगा 8 5 4 1 यानी 1458 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब लास्ट एक क्वेश्चन देख लीजिए, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 3:2। इफ द ब्रेथ इज 120 मीटर देन फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो यहां पे लेंथ और ब्रेथ दोनों दिया हुआ है कितना 3:2, यानी लेंथ जो होगा वह 3x होगा और ब्रेथ जो होगा वह 2x होगा। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि ब्रेथ कितना दिया है 120 मीटर, इसका मतलब कि 2x = 120 मीटर, तो x = कितना हो जाएगा 120/2 यानी 60 मीटर। तो x का वैल्यू जब 60 मीटर निकल जाएगा तो 3x यहाँ दिया हुआ है, 3 में x का वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरा लेंथ निकल जाएगा। तो लेंथ और ब्रेथ जब निकल गया तो पेरीमीटर में क्या प्रॉब्लम है बन जाएगा। तो एक बार देख लीजिए इसको, लास्ट क्वेश्चन है, जो साइड दिया हुआ है वह कितना है 3:2 में, रेशियो में दिया हुआ है, इसलिए हम इसको मानते हैं लेट द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल बी 3x and 2x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो ब्रेथ है वो कितना दिया हुआ है 120 मीटर, यहां पर ब्रेथ इक्वल टू 120 मीटर, इट मीन्स ब्रेथ को हम क्या माने हैं 2x माने हैं। तो 2x = 120 मीटर, अब यहां x = 120 मीटर डिवाइड बाई 2, ये कट जाएगा तो 60 मीटर हो जाएगा। अब आप देखेंगे अब यहां देखेंगे कि x का वैल्यू तो 60 मीटर निकल गया, अब यहां पर जो ब्रेथ था, जैसे ब्रेथ निकल गया, ब्रेथ था 2x, तो x का वैल्यू 60 मीटर, अब यहां लेंथ जो है मेरे पास वह क्या था, लेंथ था 3x। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ 3 × x का जो वैल्यू निकला है 60 वो लिख देंगे तो 180 मीटर हो जाएगा, यानी लेंथ हो गया 180 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 120 मीटर। अब हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, है ना। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × L + B। ठीक है, अब यहां पर दोनों चीज दिया हुआ है मेरे पास, L कितना है, L दिया हुआ है 100
80 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 120 मीटर। टू, अब इस दोनों को ऐड कर देते हैं तो 300 मीटर, यानी पेरीमीटर हो जाएगा 3×2=600। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। चलिए, तो ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक टोटल क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद है चैप्टर चेकअप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 के लिए हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ चेंज की, ठीक है। तो टाइप ऑफ चेंज, भाई तो गुड, ये आपको आज बात कर रहे हैं हम टाइप ऑफ चेंजेज की। तो टाइप ऑफ चेंजेज में है स्लो एंड फास्ट चेंज। तो चेंज टेक प्लेस, हम बताए थे कि चेंजेज होते परिवर्तन, तो नियम है, नेचर का नियम है। तो ऐसा परिवर्तन जो तेज होता है उसको हम फास्ट चेंज कहेंगे, ऐसा परिवर्तन जो स्लो होता है, धीरे धीरे होता है, उसको क्या कहेंगे हम, स्लो चेंज कहते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए, आप स्विच ऑन किए और आपकी टीवी चलने लगी, स्विच ऑन किए पंखा चलने लगे, तो ये क्या कहलाता है, ये फास्ट चेंज है। लेकिन आप एक पेड़ लगा दें और सोचें कि उसमें आम फल जाए, तो क्या ये तो बहुत स्लो चेंज है। चूँकि एक पेड़ लगाएंगे तो कम से कम 5-6 साल, तो कम से कम बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन का भी पेड़ लगाएंगे तो 2-3 साल लग ही जाते हैं उसको फल देने में। और अगर बात करें कि प्लांट से कोल बनने में, तो इसमें मिलियन साल, बहुत साल लग जाते हैं प्लांट और एनिमल। मान लिया जाए कि जैसे कि आप थोड़े सीनियर क्लास में आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि पेड़ पौधे और ह्यूमन एनिमल्स कुछ भी अगर दब गए और पर्याप्त मात्रा में उसको क्या मिले, ऑक्सीजन नहीं मिला, तो वो क्या हो गए कि कन्वर्ट इनटू कोल एंड पेट्रोलियम, वो डिकम्पोज नहीं होते, वो कन्वर्ट कर जाएंगे कोल और पेट्रोलियम में। तो ये एक दिन में नहीं रहता, बहुत स्लो होता है। अब ऐसा चेंज जो एक चेंज होता है रिवर्सेबल, तो ऐसा चेंज जो फोर्स लगाने पर तो बदलता है, लेकिन जैसे ही फोर्स हटाएंगे वो चेंज क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, बैक हो जाएगा। तो ऐसे चेंज को हम क्या कहते हैं, रिवर्सेबल चेंज। एक रबर ले लीजिए और उसको इरेज कीजिए, उसको क्या कीजिए, थोड़ा फोर्स लगाइए, तो रबर की लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है, रबर की लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये चेंज क्या कहेगा, रिवर्सेबल चेंज। अब इरिवर्सेबल चेंज ऐसा है कि ग्लास को लेकर हम पटक दें, ब्रेक डाउन हो जाए, ग्लास टूट जाएगा, तो क्या होगा, वो चेंज क्या कहलाएगा, वो चेंज इरिवर्सेबल चार्ज कहेगा, या परमानेंट चेंज भी हम उसको कह सकते हैं। चूँकि अब उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। दूसरा है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, तो ऐसे चेंज को कहते हैं हम फिजिकल चेंज, ठीक है। अब जैसे हम कागज है, तो कागज को हम फाड़ दें, फाड़ देंगे भाई तो कोई नया चीज़ तो नहीं बना, तो हाँ सेप चेंज हो गया, मैं मानता हूँ चेंज हुआ, लेकिन नया चीज़ नहीं बना। अगर नया चीज़ बनता तब हम उसको कहते हैं कि केमिकल चेंज। हाँ, अगर कागज़ को लेकर हम जलाते हैं तो रख जल जाएगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तो वो क्या हुआ, केमिकल चेंज। तो बर्निंग ऑफ पेपर इज केमिकल चेंज, बट टियरिंग ऑफ पेपर इज ए फिजिकल चेंज, ठीक है। अब बहुत सारा ऐसा एक चीज़ है जिसको कि फिजिकल नया चीज़ नहीं बना। अब बर्फ ले लो, बर्फ को पिघला दो तो पानी बन गया, क्या कोई चेंज हुआ, नहीं, कोई खास नहीं, केवल स्टेट चेंज हो गया, वो सॉलिड से लिक्विड में बन गया। लेकिन अगर मान लिया जाए कि अगर बर्फ को आप ये कर दो, क्या करते हैं, गैस बना दो, तो अभी वो क्या होगा, उसको फिजिकल चेंज ही कहेंगे। लेकिन अगर दूसरे चीज़ों में कन्वर्ट कर दो तो वो क्या होगा, केमिकल चेंज। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस कर दें, अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग कर दें, तो ये चेंज नया सब्सटेंस बन जाएगा, तो वो क्या होगा, केमिकल चेंज। देखो फ्लावर्स है, फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट एंड न्यू एडेबल सब्सटेंस आर फॉर्म इन दिस प्रोसेस। एक फूल है, फूल से क्या बनेगा, फल बनेगा, और फल को हम लोग खा भी देते हैं। व्हेन मिल्क इज बॉयल, जब हम दूध को औरते हैं ना, बॉयल करना मतलब, देखो हम लोग की भाषा ऐसा है ना, मैं खासतौर पर मैं कोशिश करता हूँ आपको एकदम बिल्कुल लोकल भाषा में समझाऊँ, ताकि मेरी बातें आपको समझ में आ जाए। तो हम बात करते हैं कि मिल्क को बॉयल कर दें इन सम लेमन जूस एक्सचेंज, तो दूध को गर्म कर दें, और गर्म करने के बाद हम 2-4 बूंद नींबू की रस डाल दें,
तो क्या होगा, वो हम लोग क्या बोलते हैं अपने भाषा में, दूध फट गया, वो दूध क्या होगा, छेना में बन जाता है, पनीर चीज बन जाता है। ऑल दीज आर केमिकल चेंज, मेनी केमिकल चेंज रिवर्सेबल टू, बहुत सारे चेंज होते हैं, इरिवर्सेबल होते हैं। अब देखो ऐसा है कि दूध है, दूध में तुम्हारे घर वाले क्या करते हैं, थोड़ा सा दही डाल देते हैं तो कुछ समय के बाद ये दही बन जाता है, लेकिन फिर चाहो कि दही से दूध बन जाए, नहीं पॉसिबल नहीं है। तो ये चेंज कैसा हुआ, केमिकल हुआ। किकिंग ऑफ फुटबॉल, अगर मान लो फुटबॉल को किक मारते हो तो कौन सा चेंज है, ये तो फिजिकल चेंज है, रिवर्सेबल है, चूँकि हम इधर किक मारे उधर से कोई मारेगा तो फिर मेरे पास आ जाएगा। टेयरिंग ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े को हम फाड़ देते हैं तो कैसा चेंज होगा, ये तो भाई फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर, पेपर को जला दें तो जलाएंगे तो कौन सा चेंज है, ये तो केमिकल चेंज है। कंपोस्टिंग, हाँ बहुत अच्छी बात है, गोबर या जो सड़े गले चीज़ है ना उसको हम गड्ढा में पीट में डाल देते हैं, वो सड़ जाता है, वो क्या बन जाता है, कंपोस्ट बन जाता है ना। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, ये तो भाई केमिकल चेंज है, ऐसा है कि जब बटरफ्लाई बन गई तो बटरफ्लाई से फिर क्या होगा, फिर वो लार्वा या फिर प्यूपा इसमें कन्वर्ट नहीं करेगी। फ्रोजन ऑफ आइस, हाँ ये फिजिकल चेंज है, कम्प्लीटली फिजिकल है। आप कहेंगे सर आप तो जी बातें कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि शेप चेंज हो गया, हाँ शेप चेंज हो गया, बर्फ से पानी बन गया, लेकिन कोई नया चीज़ नहीं बना, तो इसको हम कहेंगे फिजिकल चेंज ही। शार्पनिंग ऑफ पेंसिल, पेंसिल को हम शार्प कर दिए तो पेंसिल को जब हम शार्प कर देंगे तो क्या होगा, नुकीला हो जाएगा। क्या कोई नया चीज़ बना, नहीं नया चीज़ नहीं बना, केवल क्या हुआ उसका थोड़ा शेप चेंज हुआ। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल को जलाए, हाँ एक बात देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली बात है, जब कैंडल जलता है यहाँ पर दोनों बातें समझो, थोड़ा स्टेप समझना होगा। मोम पिघलेगा, वैक्स पिघलेगा तो वो फिजिकल चेंज है, लेकिन वो पिघला हुआ मोम जलेगा तो वो केमिकल चेंज है। इसलिए इस चेंज में क्या होता है, दोनों चेंज होते हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी। अब एक वर्ड है डिजरेबल और अनडिजरेबल चेंज, ऐसा चेंज जो हम चाहते, डिजायर, डिजायर मतलब इच्छा करना, चाहना, तो ऐसा चीज जो चाहते हैं उसको हम कहते हैं डिजरेबल चेंज। अब हम चाहते हैं कि दूध से मिल्क से पनीर बन जाए, ठीक है, दूध से क्या बन जाए, पनीर बन जाए, तो वो क्या है, फिजिकल चेंज है, सॉरी डिजरेबल चेंज है। और दूध से ये दही बन जाए, वो भी हम क्या चाहते हैं कि डिजरेबल है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि भूकंप आ जाए, हम ये नहीं चाहते कि खाना खराब हो जाए, हम ये नहीं चाहते कि बाढ़ आ जाए, पॉल्यूशन हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो ये सारे चेंज होते हैं, ये अनडिजरेबल है जिसको हम नहीं चाहते हैं। एक बात है एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन जो ऐसा वर्ड है, एक्सपेंशन मतलब फैलना, तो कोई भी मैटर को अगर हीट करते हैं तो क्या होता है भाई, भाई अगर हीट करते हैं तो क्या होता है, फैलता है ना, तो जब हीट करेंगे तो वो फैलेगा, इसको क्या कहते हैं, एक्सपेंशन कहते हैं। तो बस नेक्स्ट हम एक्सपेंशन पढ़ा लेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का मैंने लेसन 6 और 7 पढ़ा दिया है, तो अब चलते हैं लेसन 8 की तरफ, जो है मंडे मॉर्निंग। टोटल 17 चैप्टर हैं, तो ये 8 चैप्टर पढ़ाकर आप लोगों का सिलेबस में मैं रोक दूंगा, ठीक है, और रिवाइज चालूगा इनके, फिर से लेसन 1 से मैं पढ़ाऊंगा। तो मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह। अच्छा एक बात बताइए कि मंडे मॉर्निंग को हम लोग किस लिए जानते हैं, जनरली आप देखते होंगे कि संडे और उसके पहले आता है सैटरडे, वीकेंड होता है, यानी कि 2 दिन हम छुट्टी करते हैं और मंडे से काम पर लौट जाते हैं, यानी कि मंडे को हम चाहते हैं कि सुबह हो ही नहीं, हमारी आपकी सबकी इच्छा यही होती है कि मंडे लेट से आए, कि वर्क पे हम जाए नहीं, छुट्टी पर हैं। उसी से कहानी रिलेटेड है, आज कुछ ही इसके वाक्यांश को मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि बाद में मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसे लिखा किसने, ये जान लेते हैं। आर के नारायण, 1906 से लेकर 2001, वाज एन इंडियन राइटर, जो एक भारतीय लेखक थे, नोन फॉर हिज फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालकुड़ी, जो साउथ इंडियन में काल्पनिक मान लीजिए कि क्षेत्र मानते थे मालगुड़ी, उसके बारे में वो लिखते हैं इन दिस स्टोरी। स्वामीनाथन, स्वामीनाथन जानिए गए कि साउथ का नाम की तरह मैच कर रहा है, इज ए स्मॉल बॉय हु डज नॉट लाइक टू गो टू स्कूल, जो छोटा बच्चा है और स्कूल जाना वो पसंद नहीं करता है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि हम हुए चाहे आप हुए, हम लोग भी बच्चे में थे तो स्कूल जाने से डरते थे, ठीक है, स्कूल जाने से डरते थे, उसी प्रकार से हमारा स्वामीनाथन था बेचारा, स्कूल जाने से डरता था, स्कूल जाने की इच्छा नहीं थी, जैसे कि आप लोगों को नहीं होती है।
एट ऑल इन फैक्ट इज लाइक लेजियर. क्यों? कारण क्या था? कारण यह था कि वो आलसी था, दिन भर सोया करता था, कभी बेंच पे सोया करता था, कभी चेयर पे सोया करता था, ये कारण था. इट इज मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह, एंड ही हैज गो टू स्कूल अगेन आफ्टर ए नाइस वीकेंड. मंडे मॉर्निंग का समय था, नाइस वीकेंड यानी कि सैटरडे और संडे का वीकेंड इंजॉय करने के बाद की बात है. ही हैज टू फॉलो ऑल हिज टाइम टेबल एंड टेक ऑल दुआज ही बी बुक्स टू स्कूल. बेचारा किसी भी प्रकार से उठता है, सारे चीज़ों का अनुसरण करता है, टाइम टेबल देखता है, बुक लेता है, सब कुछ लेकर स्कूल जाने की तैयारी होती है, कर लेता है. लेट्स रीड मूड अबाउट हिम. आइए देखते हैं उसके बाद. और इट वॉज मंडे मॉर्निंग, सोमवार का सुबह का समय था. स्वामीनाथन वॉज रिलकेंट टू ओपन हिज आई. स्वामीनाथन जो था आँख खोलने की कोशिश नहीं कर रहा था, बेचारा सोने की इच्छा थी लेकिन उसके जबरदस्ती आइज खुला जा रहा था. ही कंसिडर मंडे स्पेशली अनप्लीजेंट इन द कैलेंडर. आमतौर पर वो मंडे को ना अपने कैलेंडर में सुखद मान कर रखता था, यानी कि उसे बुरा मानता था. आफ्टर द डिलीशियस फ्रीडम ऑफ सैटरडे एंड संडे. क्यों? क्योंकि उसके पहले सैटरडे और संडे को उसको छुट्टी मिलती थी, एकदम इंजॉय करता था. इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट इन टू द मंडे मूड ऑफ वर्क एंड डिसिप्लिन. अब दो दिन वीकेंड बनाने के बाद अपने दिमाग को, मूड को फिर से कन्वर्ट करना, किस प्रकार से अनुशासन में और काम में उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी. ही स्ट्रेट एट वेरी थ्रू ऑफ स्कूल. हमेशा वो स्कूल से नफरत करता और उसकी कलरों से, जैसे कि दैट डिसमल येलो बिल्डिंग, पीला बिल्डिंग, द फायर आई बेदनियागर. कोई होंगे बेदनियागर जिनकी आँखें एकदम हमेशा चिरी हुई रहती थी. हिज क्लास टीचर एंड द हेड मास्टर विथ हिज थिन लॉन्ग केन. और हेड मास्टर के हाथों में लंबा डंडा हुआ करता था, पतले कलर, पतला एकदम, इससे वो डरा करते थे. बाई एट ही वॉज एट हिज डेस्क इन रिज्यूम. जब वो 8 साल का था, जब वो 8 में था, मतलब 8 बजते वो देखता है कि ड्रेसिंग रूम में, पिताजी के ड्रेसिंग रूम में एक टेबल है. टेबल के तरफ चारों तरफ सब कुछ फेंके गए हैं, टोपी, कैप, स्लेट, इंक बोतल एंड बुक्स के सब इधर उधर फेंके गए हैं. ठीक है. ही सैट ऑन हिज स्टूल एंड शट हिज आई. वो स्टूल पर बैठता है और आँखों को बंद करता है, टू रिकॉल इट वाट वर्क ही हैड फॉर द डे. और आज के लिए उसने क्या वर्क बचा कर रखा है, यह सोचता है. फर्स्ट ऑफ कोर्स देर वाज अर्थमेटिक. देखता है कि सबसे पहले अर्थमेटिक है, यानी कि मैथ की क्लास चालू होती है. दोज 5 पजल इन प्रॉफिट एंड लॉस. 5 प्रॉफिट और लॉस के इसको पजल्स मिलते, गुथिया सुलझाने की मिलती है. देन देर वाज इंग्लिश. उसके बाद क्या था, अंग्रेजी. ही हैड टू कॉपी डाउन ए पेज फ्रॉम हिज इंग्लिश लेसन. उसे कॉपी डाउन करना था इंग्लिश लेसन का उसके पेज में, एंड राइट डिक्शनरी मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स. और डिक्शनरी से वर्ड्स के डिफिकल्ट वर्ड्स को लिखना था. एंड देन वेयर ज्योग्राफी. देर वाज ज्योग्राफी. और उसके बाद भूगोल. एंड ओनली 2 hours बिफोर हिम टू डू ऑल दिस हीप ऑफ वर्क एंड गेट रेडी फॉर द स्कूल. और सिर्फ उसके पास 2 घंटे का वर्क था, उतने में ये सारे काम उसे कंप्लीट कर लेने थे. सिर्फ उसके बाद 2 घंटे का टाइम था. फायर आइट बेदनियागर वॉज प्रेसेंडिंग ओवर द क्लास विथ हिज बैक टू लॉन्ग विंडो. बेदनियागर जो थे गुस्से भरी आंखों से बाहर से ही देख रहे थे, लॉन्ग विंडो से ही देख रहे थे. थ्रू इट्स बार वन साव ए बीट ऑफ द ड्रिल ग्राउंड एंड कॉर्नर ऑफ द बरंदा ऑफ द इन्फांट स्टैंडर्ड्स. बच्चों के सामने वो आकर खड़े होते हैं और उनसे भी बोलते हैं. तो अब इसका ये कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाता हूँ. थैंक यू स्टूडेंट्स. क्लास 6 SST में हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी. ज्योग्राफी चैप्टर में हम लोग 6 चैप्टर पढ़ रहे थे. 6 चैप्टर में कौन सा था, तो 6 चैप्टर इंडिया आवर मदरलैंड. इंडिया आवर, इंडिया आवर मदरलैंड.
उनको यही असर है कि हिंदू आदमी बैठा है सब चक्कर देख रहा है इसलिए सिक्स चैप्टर हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे इंडिया और मदरलैंड। इंडिया और मदरलैंड में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे प्लेन्स के बारे में, प्लेन्स में द भूमि के बारे में, समतल भूमि के बारे में कि हमारे इंडिया में कौन कौन से प्लेन्स कितने भागों में डिवाइडेड है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे इंडिया के सभी भूमि को तीन भागों में डिवाइड किया गया है प्लेन्स के अकॉर्डिंग, समतल भूमि के आधार पर। तो समतल भूमि के आधार पर भी तीन भागों में कौन कौन डिवाइड किए गए हैं, तो ये देखेंगे कि समतल भाग में जो पहला डिवीजन था द पंजाब हरियाणा प्लेन, पंजाब हरियाणा का क्षेत्र जो समतलीय भाग बनता है इंडो गैंगनेट, उसको इंडो गैंगनेटिक प्लेन भी बोलते हैं लोग, जो गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी तथा उनके सहायक नदियों के बनाए गए मिट्टियों के द्वारा बनता है, जलोढ़ मिट्टियों के द्वारा बनाया जाता है, बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़े थे लोग पंजाब हरियाणा प्लेन। तो पंजाब हरियाणा प्लेन में हम लोगों ने पढ़ा था कि पंजाब हरियाणा जो समतल भूमि है, तो पंजाब हरियाणा समतल भूमि कुछ उसको बनाने वाले नदियां कौन कौन से हैं, तो सतलज, रावी, बीज और इनके जो भी ट्रिब्यूटरीज होंगे, सहायक नदियां होंगी, तो इन नदियों के सहयोग से वहां का भूमि समतल भूमि बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट था ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो ब्रह्मपुत्रा नदी सिंपल है कि ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स होगा मीन द ब्रह्मपुत्रा नदी या फिर उनके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बनाए गए जो समतल भूमि होंगे वो उन भूमि को ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स या ब्रह्मपुत्रा समतल भूमि कहते थे। इसमें हम लोगों ने और पढ़ा था कि ब्रह्मपुत्रा से रिलेटेड ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से होकर के निकलती है, उसका उद्गम स्रोत क्या है। तो क्या जाने थे कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो होती है वह तिब्बत से निकलती है और तिब्बत के जिस उद्गम स्रोत से निकलती है, जिस प्लेस से निकलती है, उसको संपो बोला जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी में और गंगा नदी में एक दोनों के बीच में रिलेशन क्या था, तो दोनों एक बंगाल की खाड़ी में गिरने के पहले बांग्लादेश में मिलती हैं। बांग्लादेश में क्या करती हैं, मिलती हैं और मिल करके वहाँ पर क्या करती है, ट्रिब्यूटरीज बनाती है, ट्रेंगुलर शेप में भूमि का निर्माण करती हैं, और जो भूमि का निर्माण करती हैं उसे क्या बोला जाता है, डेल्टा बोला जाता है। तो हमारे पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेल्टा जो है सुंदरबन का डेल्टा, वो गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी मिलने से बनता है। यानी हमारे वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है, हमारे वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, और वे किन किन नदियों से होकर के मिलकर के बनता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है द पेनिनसुलर प्लेटू प्रायद्वीपीय पठार। आज हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार में, यानी कि पठार को भी जो भी समतल भूमि है जो समुद्र से सटे हुए है, समुद्र के तट पे है और वहां पे जो भूमि बनता है उसको क्या बोलेंगे, पठार हुआ। तो ऐसे पठार को हमारे भागों में दो तीन भागों में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे द पेनिनसुलर पठार मीन द प्रायद्वीपीय पठार, यानी पृथ्वी हमारे इंडिया का जो साउदर्न पोर्शन होता है, साउदर्न पार्ट होता है, वो साउदर्न पार्ट तीन तरफ से किसी से ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है, जल से घिरा हुआ है, और यह जो शेप क्रिएट करता है, तो यह शेप एक ट्रेंगुलर शेप क्रिएट करता है। कौन सा शेप क्रिएट करता है, ट्रेंगुलर शेप क्रिएट करता है, और जब यह ट्रेंगुलर शेप क्रिएट करता है तो यहाँ पर ट्रेंगुलर शेप क्रिएट करने के कारण इस प्लेस को पेनिनसुलर या फिर प्रायद्वीपीय बोलते हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र या फिर पेनिनसुलर रीजन बोलते हैं। अब प्रायद्वीपीय क्षेत्र के पास में जो उसके तट के भाग होंगे उसको पठार बोलेंगे, प्लेट्यू बोलेंगे, और इस प्लेट्यू के बारे में जानते हैं क्या विशेषताएँ हैं। तो टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन लाई द पेनिनसुलर प्लेट्यू, हमारे दक्षिण भाग के जो भी तटीय भाग है उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, उसको पेनिनसुलर प्लेट्यू या फिर प्रायद्वीपीय पठार बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ट्रायंगुलर इन शेप, और उसका आकृति कैसा होता है, ट्रायंगुलर है, त्रिभुजाकार है। इट इज द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म इन इंडिया, और भारत का सबसे प्राचीन भूमि है, यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है भारत का सबसे प्राचीन क्या है, पठार है। एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू हैज टू डिस्टिंक्ट पार्ट, हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है दो भागों में बांटे गए हैं, पहले मालवा प्लेट्यू में और दूसरा डेकन प्लेट्यू में, यानी मालवा पठार और डेकन पठार दो भागों में पेनिनसुलर प्लेट्यू को प्रायद्वीपीय पठार को बांटा गया है। The two parts
आर सेपरेटेड बाय द विंध्याचल एंड सतपुरा रेंज, और उसके दो भागों में अलग किया गया वो विंध्या और सतपुरा रेंज में। तो मालवा पठार के बारे में जानते हैं, यह क्या होता है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, भारत के दक्षिणी भाग के जो प्रायद्वीपीय पठार है, बाउंडेड बाय द अरावली रेंज इन द वेस्ट एंड द विंध्या एंड सतपुरा रेंज इन द साउथ। उत्तर से होकर के अरावली पहाड़ी से लेकर के दक्षिण के रेंज सतपुरा तक इज कॉल्ड द मालवा प्लेट्यू। यानी उत्तर में क्या याद रखेंगे, उत्तर में अरावली पहाड़ी से लेकर के और दक्षिण में सतपुरा रेंज तक के जो भी क्षेत्र आएंगे उनको मालवा पठार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, टू द वेस्ट ऑफ द अरावली इज द थार डेजर्ट। अरावली जो पर्वत रेंज है, जो पहाड़ी है, उसके दक्षिण में, उसके पश्चिम में थार डेजर्ट है। अरावली के पश्चिम में क्या है, थार डेजर्ट है। एंड विच एक्सटेंड इन टू द पाकिस्तान, और थार डेजर्ट पूरा पाकिस्तान तक एक्सटेंड है। कितना तक एक्सटेंडेड है, पाकिस्तान तक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है द डेकन प्लेट्यू, किसको बोलते हैं। द डेकन प्लेट्यू साउथ ऑफ द विंध्या एंड द सतपुरा रेंज एट द डेकन प्लेट्यू। विंध्या और सतपुरा क्षेत्र के जो पठार होंगे, द नर्मदा रनिंग थ्रू ए नैरो वैले बिटवीन दिस टू रेंज, दोनों क्षेत्रों के बीच से नर्मदा नदी एक पतली सी धारा बना करके निकलती है, बहती है। एंड द तापी रनिंग थ्रू ए वैले साउथ ऑफ द सतपुरा, और जा करके वो ताप्ती नदी जो है वहाँ घाटी में मिलती है, सतपुरा घाटी में मिलती है। फ्लो वेस्टवर्ड थ्रू रॉकी एरियाज बिफोर एंटरिंग द अर्बेनिया सी। अर्बेनिया सी में मिलने से पहले वहाँ पर वे बहुत सारे रॉक्स को, चट्टानों को इकट्ठा करती हैं, ले जाकर के जमा करती हैं। एंड द डेकन प्लेट्यू इज बाउंडेड बाय द हिल्स ऑफ द वेस्ट एंड द ईस्ट, और डेकन प्लेट्यू जो है हमारा पश्चिमी और उत्तरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो यह था हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन और आइलैंड के बारे में। तो स्टूडेंट सभी आप इसको नोट्स तैयार कर लेंगे, और नोट्स तैयार करने के बाद याद कर लेंगे। थैंक यू।